स्वागत है सभी का श्री चैतन्य एकेडमी शाजापुर SCA शाजापुर में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में IUPAC नामेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में हमने IUPAC नामेनक्लेचर एल्केन का इंट्रोडक्शन देखा था, हमने रूल्स देखे थे, कुछ एग्जांपल देखे थे, उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से, कॉपी और पेन उठा लीजिए आप सभी। मैं हूं विट्ठल सोनी और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC नामेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2 एल्केन का। सबसे पहले फिर से एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं, IUPAC नेम कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 3 पार्ट से। कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 3। इनिशियल, प्रारंभ में हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। फिर क्या लिखते हैं हम? वर्ड रूट। वर्ड रूट। और लास्ट में IUPAC नामेनक्लेचर के लास्ट में लिखा जाता है सफिक्स। क्या लिखते हैं हम? लास्ट में लिखते हैं सफिक्स, स्टार्टिंग में लिखते हैं प्रीफिक्स और बीच में लिखते हैं वर्ड रूट। क्या क्या है भैया ये? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो नाम के पहले लिखा जाएगा, 2 होते हैं। पहले लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं पहले? सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर लिखते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद लिखा जाता है वर्ड रूट और फिर लिखा जाता है सफिक्स। सफिक्स भी अगेन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक पहले लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स। क्या लिखा जाता है पहले? 1 डिग्री सफिक्स। फिर लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स। क्या लिखा जाता है? सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट जो बीच में लिखा जाता है वो हमें किस बात की जानकारी देता है? वो बताता है हमें नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है, जिसे हम पेरेंट चेन भी कहते हैं। एक कार्बन होगा तो मिथ, 2 कार्बन होगा इथ, 3 कार्बन होगा प्रोप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट। मेन चेन में कितने कार्बन है वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट के पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं फिर प्राइमरी। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको इंट्रोड्यूस करता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स इंट्रोड्यूस करता है सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट को। किसको इंट्रोड्यूस करता है ये? सब्स्टिट्यूएंट को। मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करूंगा सब्स्टिट्यूएंट से, समझाऊंगा। प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज किया जाता है? साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। साइक्लिक होगा तो साइक्लो यूज करेंगे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड होगा तो बाईसाइक्लो लिखेंगे, स्पाइरो होगा तो स्पाइरो लिखेंगे। उसके बाद लिखा जाता है वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। फिर लिखा जाता है सफिक्स, पहले प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? यदि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाता है? सिंगल बॉन्ड। तो हम रूट वर्ड, वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हैं? एन। मिथ के बाद एन, मिथेन है ना। अगर कार्बन कार्बन के बीच मेन चेन में क्या है? डबल बॉन्ड, तो नाम के पीछे क्या लिखते हैं? वर्ड रूट के बाद इन, प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाए? ट्रिपल बॉन्ड, तो नाम के पीछे लगाएंगे क्या? आइन। कौन से नाम के पीछे? अरे वर्ड रूट के पीछे, क्लियर। और सबसे लास्ट में लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स। ये यूज किया जाता है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? क्रियात्मक समूह के लिए। ये हमने पिछले लेक्चर में, पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ एक बार इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। बढ़े आगे, रूल्स फॉर IUPAC नामेनक्लेचर हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखे थे। क्या है पहला रूल? सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन। क्या है? सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन किसको कहेंगे? लॉन्गेस्ट चेन को और क्या कहेंगे हम? मेन चेन। क्या कहेंगे? मेन चेन। इसी मेन चेन को हम और क्या कहते हैं? पेरेंट चेन। क्या कहते हैं? पेरेंट चेन। इसी मेन चेन को एक और नाम से बोलेंगे हम, प्रिंसिपल चेन।
क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल चेन। क्या बोलेंगे इसे, प्रिंसिपल चेन। हिंदी में इसे कहा जाता है जनक श्रृंखला। क्या कहा जाता है, जनक श्रृंखला, पेरेंट चेन। कंपाउंड दिया जाएगा, हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन में जरूरी नहीं वो स्ट्रेट हो, सीधी हो, वो कैसी भी हो सकती है, हमें पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन लेना है। सिलेक्ट अ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं, ऐसा कार्बन जो मेन चेन में इंक्लूड ना हो। मैं लिख देता हूं सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या कहेंगे, कार्बन नॉट इंक्लूड इन पेरेंट चेन, ऐसा कार्बन जो मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता। थर्ड रूल था सब्स्टिट्यूएंट शुड बी नियरेस्ट, क्लियर। इन तीन रूल को ही हमें याद रखना है, रूल बहुत सारे हैं, सब रूल याद नहीं रहते हैं, प्रैक्टिस के साथ हम इनकी इनको याद रख सकते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास में है, देखिए, मेन चेन सिलेक्ट करना है, नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग हम कहां से कर सकते हैं, हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं और यहां से, बीच में से कहीं नंबरिंग स्टार्ट नहीं होगी, एंड से नंबरिंग स्टार्ट होती है। यहां से स्टार्ट कीजिए और लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कीजिए, या यहां से स्टार्ट कीजिए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, आपको मिलना क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन। क्या मिलना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसमें आपको केवल कार्बन दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्केलेटल स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है ऐसे स्ट्रक्चर को, स्केलेटल स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे, कंकाली संरचना। क्या कह सकते हैं, कंकाली संरचना, जिसमें केवल आपको क्या दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, सिर्फ कार्बन और बॉन्ड, हाइड्रोजन दिखाई नहीं देंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर, जैसा यहां दिख रहा है। आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ये कार्बन अभी कितने बॉन्ड बना रहा है, एक, तो इसकी कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, 3, तो इससे 3 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दीजिए, एक कार्बन से तो जुड़ा ही है ये एक बॉन्ड, और 3 हाइड्रोजन और दे दीजिए, क्या बन गया, CH3 बन गया, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन की वैलेंसी देखिए, एक इस कार्बन से कनेक्ट है, एक इस कार्बन से, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 और दे दीजिए हाइड्रोजन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3, तो इसे एक हाइड्रोजन दे दीजिए, वैलेंसी सेटिस्फाई। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ एक, 3 हाइड्रोजन दीजिए, 4, 3 और 1, 4। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन दीजिए, 3 और 1, 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बट जिसमें केवल क्या दिखाई दे, कार्बन, क्या दिखाई दे, कार्बन और बॉन्ड, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर। आप वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेना है। आप सीधी भी ले सकते हो, स्ट्रेट भी ले सकते हो, कैसी भी ले सकते हो, जरूरी नहीं स्ट्रेट ही ले, कैसी भी ले सकते हैं। हम सिलेक्ट करते हैं एक लॉन्गेस्ट चेन, हमने ये ले दी, क्या लॉन्गेस्ट चेन है, 1, 2, 3, 4। आप यहां से भी देखोगे तो 1, 2, 3, 4, ऐसे भी ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये छोटी है। इस तरह से हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, ठीक। लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के बाद हम इसकी नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे, नंबरिंग। तो नंबरिंग कर देते हैं, कहां से करते हैं, यहीं से करते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। कितने कार्बन की चेन है, 4। क्या ये कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है, नहीं है, नहीं है तो ये क्या कहलाया आपका, सब्स्टिट्यूएंट। ऐसा कार्बन जो मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता उसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिस्थापी। क्या कहते हैं इसे, प्रतिस्थापी। तो पहले जो मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट होता है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं हम पहले, कहां लिखते हैं, पहले। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, CH3 मिथाइल। चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको,
क्या लिखा है? सी एच फोर, क्या कहते हैं इसको? मीथेन। क्या कहते हैं इसे? मीथेन। अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन कम हो जाए, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, तो सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा? सी एच थ्री। एक हाइड्रोजन कम हो गया, ए एन ई हटा के आप वाई एल लगा दीजिए, तो ये बन गया, एक कार्बन है तो मिथ और एक हाइड्रोजन कम है तो क्या लगा दिया? वाई एल, मिथाइल। मीथेन से क्या बना? मिथाइल। ठीक, एल के नहीं है। मैं अगर मैं लिखता हूं सी टू एच सिक्स, ध्यान दीजिएगा इधर कितने कार्बन है? टू, टू का डबल कीजिए फोर, फोर में टू एड कर दीजिए सिक्स, जितने कार्बन उसके डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन है, उसे एल्केन कहते हैं, उसे एल्केन कहते हैं। तो दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? रूट वर्ड इथ, और जितने कार्बन उसके डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन है तो मैं क्या लगाऊंगा? एन। तो नाम क्या हो गया? इथेन। अगर इथेन में से हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड सी टू एच फाइव। एक हाइड्रोजन कम है तो ए एन ई हटा के क्या लगा दूंगा? वाई एन। क्या बन गया? इथाइल। अच्छा, मैं इसको स्ट्रक्चर ओपन करूं तो ऐसा लिख सकता हूं सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, है ना? एक हाइड्रोजन कम हो गया तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड, ऐसा लिख सकता हूं, ये इथाइल है। ठीक, अगर मैं लिखता हूं सी थ्री एच एट, कितने कार्बन? थ्री, थ्री का डबल सिक्स, सिक्स में टू एड कर दीजिए एट, मतलब ये एल्केन है, जितने कार्बन उसके डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन, एल्केन है। तीन कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। ठीक है, इसमें से भी एक हाइड्रोजन क्या कर दीजिए? रिमूव कर दीजिए, तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड सी थ्री एच सेवन, क्या बन गया? प्रोपाइल, ए एन ई हटा के क्या जोड़ दिया? वायल। अच्छा, स्ट्रक्चर के रूप में लिखें तो कितने कार्बन है? तीन, सी एच थ्री तीन कार्बन है, एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, कितने हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे? तीन। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? दो, तो इससे दो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे, चार। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक, तो इससे कितने हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे? तीन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम हुआ है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू। क्लियर? मीथेन से हाइड्रोजन कम हुआ, मिथाइल। इथेन से हाइड्रोजन कम हुआ, इथाइल। प्रोपेन से हाइड्रोजन कम हुआ, प्रोपाइल। ठीक है, मिथाइल का एक और रिप्रेजेंटेशन है, इसको कैसे डिनोट करते हैं कभी कभी शॉर्टकट में? एम ई से। इथाइल को शॉर्टकट में किससे डिनोट करते हैं? ई टी से। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, मिथेन इथेन प्रोपेन तीनों है क्या? तीनों क्या है? एल्केन। क्या है? एल्केन। तो एल्केन में से हाइड्रोजन हम कम कर देंगे तो क्या बनेगा? एल्काइल। तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल सब क्या है? एल्काइल। अच्छा, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? सी एन एच टू एन प्लस टू, जितने कार्बन उसके डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन, उसे क्या कहते हैं? एल्केन, है ना? और इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो एल्काइल का फॉर्मूला क्या हो गया? सी एन एच टू एन प्लस वन। और इस एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? सिंगल बॉन्ड आर से। ये हमारा है एल्काइल रेडिकल। एल्काइल रेडिकल आर से डिनोट करेंगे, सिंगल बॉन्ड आर से। आर मतलब क्या? कार्बन की चेन, जिसमें एक कार्बन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पर एल्केन से हाइड्रोजन क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? बढ़े आगे, जरा देखिए, अब फिर से आते हैं इधर। क्या ये मेन चेन में इंक्लूड हुआ था? नहीं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स। पहले इसी का नाम लिखेंगे, क्या नाम है इसका? मिथाइल। क्या नाम है? मिथाइल। कौन से कार्बन से कनेक्ट है? थर्ड पे, तो क्या लिखेंगे? थ्री मिथाइल। ठीक, लिख दिया, प्रीफिक्स लिख दिया। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। कितने कार्बन है मेन चेन में? चार, तो रूट वर्ड क्या हो गया आपका? ब्यूट। रूट वर्ड के बाद हम क्या लिखते हैं? सफिक्स। कौन सा? प्राइमरी।
क्या मेन चेन में कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे एन। ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर किसका इस एग्जाम्पल का। और ये एग्जाम्पल हमारा क्या है गलत। क्यों गलत है? क्योंकि हमने थर्ड रूल को देखा ही नहीं। सब्स्टिट्यूएंट शुड बी नियरेस्ट। नंबरिंग उस ओर से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास हो। आपने इधर से नंबरिंग करी तो क्या थर्ड कार्बन पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिला? अगर आप इधर से करते तो 1 2 सेकेंड कार्बन पे क्या मिलता? सब्स्टिट्यूएंट मिलता ना। इसलिए हमारा नोमेनक्लेचर क्या हो गया गलत। एक बार फिर लिख देता हूं, सही कर लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, वही चेन फिर से ले लेते हैं। ये रही हमारी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग करना है, नंबरिंग कर दीजिए। किधर से करें? इधर से के इधर से, उधर से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास करें। 1 2 3 और ये 4। अब सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पर है? सेकंड कार्बन पर। 2 पर कौन है? 2 मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। तो रूट वर्ड क्या हो गया? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन। ये हो गया हमारा क्या बिल्कुल सही नोमेनक्लेचर। नोट कीजिए जल्दी से। कॉपी और पेन अपने पास में रखें, सिर्फ देखने से हम नहीं सीखेंगे, है ना। जब तक आप लिखोगे नहीं सीखोगे नहीं। देखने से थोड़ी देर याद रहेगा पर लिखने से गलतियां होगी जैसे मैंने की, और गलती करने के बाद उसे फिर से हम सही करेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए बड़े। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने। कार्बन की वैलेंसी आपको सेटिस्फाई कर सकते हो, मैंने सिखा दिया है। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, इससे कितना हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे? 3। कितने कनेक्ट होंगे? 3 CH3। इससे कितने कनेक्ट होंगे? 3। इससे 3, इससे भी 3। और ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, कहीं से भी गिन सकते हो। अरे कहीं से भी, कहां से? या तो यहां से गिनेंगे, या यहां से गिनेंगे, या यहां से गिनेंगे, या फिर यहां से। नंबरिंग कहीं से भी करो। आपको क्या मिलनी चाहिए? लॉन्गेस्ट चेन। क्या ये चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन है? हमने सिलेक्ट कर ली। ओके सर, क्या करें आप? नंबरिंग करो। इधर से करो या इधर से? 1 2 1 2 3। सेकेंड कार्बन पर आपको क्या मिलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट कर दीजिए। 1 2 और ये 3। नंबरिंग हो गई। अब पहले क्या लिखें? प्रीफिक्स। क्या ये मेन चेन में इंक्लूड हुआ? नहीं। क्या ये मिथाइल ग्रुप इंक्लूड हुआ? नहीं। कितने मिथाइल ग्रुप? 2। अगर एक जैसे क्या हो, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो। क्या बोल रहा हूं मैं? एक जैसे कितने हो? 2। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? डाई। अगर एक जैसे कितने हो? 3 हो, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? ट्राई। अगर एक जैसे कितने हो? 4 हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? टेट्रा। क्या यूज करते हैं? ऐसे एक जैसे 5 हो तो यूज करते हैं पेंटा, 6 हो तो यूज करते हैं हेक्सा। नोट कर लेना उसको। एक जैसे कितने मिथाइल है? 2। तो मैं क्या लिखूंगा? डाई मिथाइल। प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, डाई मिथाइल लिख दिया सर। पर कौन से कार्बन पर है भैया? सेकंड पर। तो मैं क्या लिखूंगा? 2। पर कितने हैं? 2 हैं। कौन से कार्बन पर? सेकंड पर। तो मैं ये 2 कितने बार लिखूंगा? 2 बार। 2,2 और फिर लगाएंगे डैश हाइफन। 2 2 2 2 डाई मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। तो रूट वर्ड क्या हो गया 3 कार्बन के लिए? प्रोप। उसके बाद सफिक्स प्राइमरी। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। क्या लिखेंगे? एन। ये हो गया हमारा क्या IUPAC नोमेनक्लेचर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की दिखाई दे रही है? 4। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। आप ये ले सकते हो,
ये भी ले सकते हो, या फिर 1 2 3 4 ये भी ले सकते हो, कोई सी भी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट हो, सीधी हो, ऐसा जरूरी हाँ। पर आप नंबरिंग इस कार्बन से भी करो, इससे भी करो, इससे भी करो, इससे भी करो, ऐसा नहीं कि केवल यहीं से स्टार्ट किया यहीं से गिन लिया, सभी जगह से गिनना जरूरी है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। कर लिया हमने, क्या मिली लॉन्गेस्ट चेन, ये रही 4 कार्बन की, ओके सर मिल गई। नंबरिंग करें, 1 इधर से करेंगे, इधर से, इधर से करता हूं तो सेकंड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट, इधर से भी करता हूं तो सेकंड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 अच्छा 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 कौन है ये, मिथाइल, 3 पे भी एक कार्बन छूट गया, क्या बोलते हैं इसको भी, मिथाइल, क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले, 2 पे भी मिथाइल कामा 3 पे भर भी मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, तो रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए क्या हो गया, ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स हो गया क्या, एन, ये हो गया हमारा नॉमेन क्लेचर। ये बहुत इजी नॉमेन क्लेचर है, धीरे धीरे टफ भी होंगे, डिफिकल्ट वाले भी सिखाऊंगा आपको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले भी देखेंगे, पर शुरुआत हो रही है, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की दिख रही है, यहां से गिन सकते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 कार्बन की मिल रही है, यहां से भी गिनेंगे तो वही बात, यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन की चेन मिल रही है, 6 कार्बन की। तो मेन चेन हम कौन सी सिलेक्ट करते हैं, ये वाली, कितने कार्बन की मेन चेन मिली, 6 कार्बन की। अब ये कार्बन छूट गया, कौन है, CH3 सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, ये कार्बन भी छूट गया, कौन है सब्स्टिट्यूएंट, नाम क्या, मिथाइल। नंबरिंग कहां से करें, इस कार्बन से कि इस कार्बन से, इस कार्बन से करते हैं तो 1 2 3 3 पे क्या मिलता है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, इधर से करें तो 1 2 3 3 पे क्या मिलता है सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा, मिथाइल। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, करें नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 ठीक। पहले सब्स्टिट्यूएंट क्या, 3 पे मिथाइल है, ओके सर, 4 पे भी मिथाइल ही है, तो एक साथ ही लिख सकते हैं 3 4, एक जैसे 2 है तो क्या लिखेंगे, डाई, क्या है मिथाइल, और कितने कार्बन है मेन चेन में, 6, तो क्या लिखेंगे 6 के लिए वर्ड रूट हेक्स, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे क्या, एन, क्लियर। ये हो गया इसका नॉमेन क्लेचर। नेक्स्ट जल्दी से सोल्व कीजिए, आप खुद से करिए, सीखेंगे, है ना, चलो करते हैं। मेन चेन कितने कार्बन की दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आप ये वाली चेन भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप ये वाली चेन भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 आप ये वाली चेन भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप कोई सी भी ले सकते हो, जरूरी नहीं वो स्ट्रेट ही हो, मैं आपकी सुविधा के लिए, समझने के लिए मैं स्ट्रेट ले लूं, ले लूं क्या, ले लीजिए सर, ये ले ली हमने एक स्ट्रेट चेन, ठीक। नंबरिंग किधर से करें, इधर से या उधर से, इधर से करते हैं तो 1 2 3 पर क्या मिलने वाला है सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करता हूं तो 1 2 3 3 पे क्या मिलने वाला है सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी करते हैं, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, कितने कार्बन की चेन मिली, 6। 3 पर कौन मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ, CH3 मिथाइल ग्रुप, 4 पे ये भी क्या है CH3 मिथाइल, अच्छा 3 पे और भी कुछ इंक्लूड नहीं हुआ, ये कार्बन से सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, इस C की एक ही बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड और बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 क्या बोलेंगे इसको, इथाइल,
क्या बोलेंगे, ये भी क्या है सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू, ये भी क्या है इथाइल, और ये दोनों कौन है मिथाइल ग्रुप है ना। अब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है पर डिफरेंट है, कैसे है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। जब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो और डिफरेंट हो तब हम कौन सा ऑर्डर लगाएंगे, जो पहले लिखना है उसके लिए हम लगाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर लगाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अच्छा एबीसीडी में ई पहले आता है कि एम, ई पहले आता है तो इथाइल वाले सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखेंगे। थ्री पे भी इथाइल फोर पे भी इथाइल दोनों सेम है, थ्री कामा फोर कितने हैं एक जैसे दो, तो क्या लिखूंगा डाई, कौन है इथाइल, थ्री फोर डाई इथाइल, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट कौन है मिथाइल, थ्री पे भी है और फोर पे भी है, तो थ्री कामा फोर दोनों एक जैसे हैं डाई क्या है मिथाइल। फिर मेन चेन का नाम प्रीफिक्स लिख दिए, फिर क्या मेन चेन का नाम, कितने कार्बन है मेन चेन में सिक्स, क्या लिखेंगे हेक्स, और कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे एन। ये हो गया इसका क्या करेक्ट आईयूपीएसी नेम, नोट कीजिए लिखते रहिए ठीक है। जब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो और डिफरेंट हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करेंगे, कौन पहले आता है ई तो हम क्या लिखेंगे पहले इथाइल, कौन बाद में आएगा एम, अच्छा इथाइल के पहले क्या लिखा है डी, इथाइल मिथाइल के पहले डाई ट्राई टेट्रा के डी टी पेंटा का पी, ये यूज नहीं करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हम क्या देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम, उसके नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो माना जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये डाई ट्राई टेट्रा के अल्फाबेट यूज नहीं किए जाएंगे ठीक है। बढ़े आगे, ओके नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने बड़ा सिंपल है, ये चेन पांच कार्बन की या फिर ये चेन ले लो पांच कार्बन की, कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी ले ले, ये ले लेते हैं, नंबरिंग दे देते हैं, इधर से करें इधर से, किधर से करो सर, थर्ड कार्बन पे क्या आएगा सब्स्टिट्यूएंट, वन टू थ्री फोर फाइव है ना। अच्छा कौन छूट गया, दो कार्बन की चेन छूट गई सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू, क्या है ये सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, एक ही है, कौन से कार्बन पर है, पहले लिखेंगे थ्री इथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन है पांच, क्या लिखेंगे पेंट, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे एन। ये हो गया इसका क्या आईयूपीएसी नेम, क्लियर, समझ में आ रही सभी को। नेक्स्ट आपके सामने देखिए करिए, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, कितने कार्बन की चेन दिखाई दे रही है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहां से स्टार्ट करें तो वन टू थ्री फोर नहीं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन की मिल रही है एट की नहीं मिल रही, यहां से स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सेवन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है जो स्ट्रेट दिख रही है आपको, वही हमारी क्या होगी लॉन्गेस्ट चेन, तो सिलेक्ट कर लेते हैं हम लॉन्गेस्ट चेन को, नंबरिंग करना है, किधर से करेंगे नंबरिंग। अच्छा इस मेन चेन में ये कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ, ये कौन है मिथाइल, कौन है मिथाइल, ये इंक्लूड नहीं हुआ सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू, कौन है ये इथाइल, कौन है इथाइल। अब मिथाइल एम से स्टार्ट होता है इथाइल ई से, किधर से करें नंबरिंग, उधर से या इधर से, रूल्स क्या कहता है नंबरिंग उस तरफ से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट हो,
इधर से स्टार्ट करते तो वन टू थ्री, थ्री पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और इधर से करें तो वन टू थ्री फोर पे मिल रहा है। भले वो उसका अल्फाबेट ई हो, हमें वो नहीं देखना है, हमें वो देखना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट हो। तो हम इधर से नंबरिंग करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट। चलो भैया नाम इन क्लेचर करें, पहले प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है, यस सर। डिफरेंट है, यस सर। तो क्या बताया था मैंने आपको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो तो कौन सा ऑर्डर लगाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले आता है कि ई पहले आता है, इथाइल का ई पहले आता है, पहले वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, और देन उसके बाद क्या लिखेंगे, पेरेंट चेन, मेन चेन, कितने कार्बन की है, 8 कार्बन की है, 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड के है, और कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, एन। ये हो गया इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम, लिख लीजिए, नोट कीजिए, नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, और अपनी नोट्स बहुत सिस्टमेटिक बनाइए, जिनकी नोट्स बहुत सिस्टमेटिक होती है, बहुत क्लियर लिखा रहता है, वो बहुत जल्दी से उसको कैप्चर कर लेते हैं, जल्दी सीखते हैं। अपना काम, अपना जो वर्क है वो बहुत सुंदर होना चाहिए, ठीक। बढ़े आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन पहला मुद्दा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन की मिलेगी, 5 कार्बन की, कौन सी भी ले ले, हमने सिलेक्ट कर ली ये वाली, कितने कार्बन की है, 5 कार्बन, ठीक है सर। अब नंबरिंग इधर से करें क्या उधर से करें, इधर से करते हैं तो सेकेंड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, मिथाइल, ये कौन है, CH3, ये कौन है, CH3, तो सेकेंड कार्बन पे इधर भी सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर से करें तो 1 2, इधर भी सेकेंड कार्बन पे क्या मिल रहा है, मिथाइल, पर इधर 2 मिथाइल मिल रहा है, इधर एक, इधर से करें, है ना। तब यहां पर लगता है एक रूल, क्या लगता है, रूल, जिसे कहते हैं मिनिमम सम रूल, मिनिमम सम रूल, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम योग नियम। क्या है ये, हम एक इधर से नंबरिंग करते हैं एक बार, और एक बार उधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करने पर कहां कहां सब्स्टिट्यूएंट हमें मिले वो नंबर लिख लेते हैं। इधर से हम चले तो कहां कहां नंबरिंग पे मिले, 2 पे कितने मिथाइल मिले, 2, तो 2 कितनी बार लिखूंगा, 2 बार, फिर कहां मिला हमें, 4 पर, कौन मिला, मिथाइल, तो मैं क्या लिखूंगा, 4, और इन सबका क्या कर दूंगा, सम, 2 2 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। तो इधर से जाने पर सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन के नंबर का सम कितना आया, 8। अब हम एक काम करें, किधर से नंबरिंग कर दें, इधर से नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 और ये 5। तो हमने किधर से नंबरिंग करी, इधर से, तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिला, एक तो 2 पे मिला और एक कहाँ पे मिला, 4 पे, तो 2 पे कितना मिला, 1, 4 पे कितने सब्स्टिट्यूएंट मिले, 2, तो 4 कितनी बार लिख गए, 2 बार, और इन सबका क्या कर दें, सम कितना आया, सम 10। बताइए इधर से जाने पर सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन का सम कम किसका आ रहा है, इधर से जाने पा रहा है कि इधर से, इधर से जाने पर, मतलब ये सही है और ये गलत है। अभी आगे चलकर यही मिनिमम सम का रूल गलत लगने लगेगा, है ना, इसलिए मैं आपको यहीं पे
काम की बात बता देता हूं, हम हमेशा फॉलो करेंगे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का, किसका यूज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का, ये बेहतरीन रूल है हमारा। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या कहता है कि जिधर से भी नंबरिंग करो, इधर से करो और इधर से करो, उसका मिनिमम डिफरेंस, मिनिमम लोकेंट, जिसका पहले आ जाए वो सही। इधर से नंबरिंग करेगी तो क्या आया 2 2 4, उधर से करी तो क्या आया 2 4 4। अच्छा इधर से नंबरिंग करी उधर से करी, दोनों तरफ पहला सब्स्टिट्यूशन किस पे, 2 पर, फिर कहां मिला, इधर से करी तो 2 पर, उधर से करी तो 4 पर, यहां 2 और यहां क्या आया 4, 4 नंबर बड़ा है और 2 नंबर छोटा है, तो मिनिमम फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस हमें कहां मिला, दोनों में से यहीं पर, ये तो कैंसिल कैंसिल हो गए, और इन दोनों में छोटा कौन सा मिला ये, इसलिए ये नंबरिंग हमारी क्या रहेगी, सही। आप मिनिमम सम रूल नहीं भी लगाओगे, क्या देख लोगे, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा कि हमें इधर से नंबरिंग नहीं करनी है, हमें किधर से नंबरिंग करनी है, इस तरफ से। अब हम इसका नाम लिख सकते हैं, क्लियर करें नामेनक्लेचर, जरा देखिएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये भी मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तीनों मिथाइल है, कितने एक जैसे 3, तो क्या लिखेंगे एक जैसे 3 हो तो ट्राई, कहां कहां पर है, 4 पे है और 2 पर है, 2 पे कितने हैं 2, तो 2 2 4, 2 2 4, ट्राई मिथाइल, मेन चेन में ये प्रीफिक्स हो गया सब्स्टिट्यूएंट का, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब क्या लिखेंगे वर्ड रूट, कितने हैं मेन चेन में कार्बन, 5, 5 कार्बन के वर्ड रूट क्या होता है पेंट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्या लिखेंगे एन, ये हो गया इसका क्या IUPAC नेम, करेक्ट, क्लियर, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाइए, मेन चेन पेरेंट चेन सिलेक्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर से भी करें तो 1 2 3 4 5, ये नहीं हो सकती 1 2 3 4 5, ये नहीं हो सकती 1 2 3 4 5 6, तो आप एक तो ये चेन ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो, कोई सी भी एक चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, कर ले सिलेक्ट, हमने ये चेन सिलेक्ट कर ली, ठीक है सर हमने चेन सिलेक्ट कर ली पेरेंट चेन, अब इधर से नंबरिंग करें कि उधर से, इधर से नंबरिंग करते हैं तो थर्ड कार्बन पे क्या मिलता है सब्स्टिट्यूएंट, क्या नाम है इसका मिथाइल, क्या नाम है मिथाइल, इधर से नंबरिंग करते हैं तो थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्या कहते हैं हम इसको इथाइल, अब इधर से नंबरिंग करो तब भी थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से नंबरिंग करो तब भी थर्ड कार्बन पे क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, तब किधर से नंबरिंग करें, टाई हो गया ना, दोनों तरफ से पोजीशन सेम है ना, एक में मिथाइल है एक में इथाइल है, अब किधर से करें, किधर से करें, टाई हो गया, मिनिमम सम रूल भी क्या हो जाएगा टाई, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस भी काम नहीं करेगा आपका, मिनिमम सम रूल क्या 3 4 3 और 4 क्या होता है 7, इधर से करें तो 3 4 3 4 क्या होता है 7, क्या मिनिमम सम रूल का सम इक्वल आ रहा है, तब हम क्या देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, खुद से करिए जल्दी से कोशिश कीजिए, खुद से कीजिए सभी, फिर मैं करता हूं, क्या करेंगे अच्छा नोट डाल लो इसमें, नोट व्हेन मिनिमम
सम रूल आर इक्वल देन प्रेफर देन प्रेफर अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब जब मिनिमम सम रूल फेल हो जाएगा इक्वल हो जाएगा देखिए इधर से करते हो तो 3 4 3 + 4 क्या आया भैया 7 इधर से करते हो तो 3 4 क्या आएगा 7 तो मिनिमम सम रूल क्या हो गया फेल तब हम कौन सा ऑर्डर देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन इक्वल हो इधर से भी 3 पर इधर से भी 3 पर तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं तो बताओ अल्फाबेट में पहले एम आता है कि ई आता है तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 क्या लिखे 3 पे क्या इथाइल क्या लिखेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल और मेन चेन में कितने कार्बन है 6 तो रूट वर्ड क्या हो गया हेक्स कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो नाम क्या हो गया 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन नोट कर लीजिए समझ में आ रही है आप सभी को नोट कीजिए बड़े स्क्रीनशॉट लेते रहना चलो कुछ सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं है ना कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट तो अभी हमने देखे थे मिथाइल इथाइल और भी सब्स्टिट्यूएंट है उनकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं जो आगे हमें यूज होंगे बनाए तैयार जैसे अगर कार्बन की चेन से आपको क्या दिख जाए जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड NO2 तब इसका नाम हम किस तरह से लिखेंगे नाइट्रो क्या लिखेंगे इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में नाइट्रो अगर कार्बन की चेन से कौन जुड़ा हुआ दिख जाता है NO तो हम इसको क्या बोलेंगे नाइट्रोसो क्या बोलेंगे नाइट्रोसो क्या बोलेंगे नाइट्रोसो ऐसे ही क्या दिख जाए आपको एक्स कार्बन की चेन से क्या जुड़ा दिख जाए एक्स एक्स क्या है यहां पर हेलोजन एक्स यहां क्या है हेलोजन हेलोजन मींस क्या क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है तब इनका नाम किस पैटर्न पे लिखेंगे हेलो किस पैटर्न पे लिखेंगे हेलो जैसे क्या एग्जांपल देखते हैं अगर हेलोजन में कौन आ जाए एफ तो हम नाम क्या लिखेंगे फ्लोरो क्या लिखेंगे फ्लोरो अगर सिंगल बॉन्ड क्या दिख जाए आपको सीएल क्या नाम लिखेंगे क्लोरो ठीक अगर आपको हेलोजन कौन सा कनेक्ट दिख जाए बीआर आप इसका नाम है सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में क्या लिखोगे ब्रोमो है ना ऐसे आपको क्या दिख जाए आयोडीन नाम क्या लिखोगे आयोडो क्लियर है मेरी बात इस तरह से ये हमारे क्या है सब्स्टिट्यूएंट और भी होते हैं देखते हैं यहां तो कोई दिक्कत अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट क्या दिख जाए सिंगल बॉन्ड आर क्या बोलते हैं इसको एल्काइल ग्रुप एल्काइल रेडिकल है ये कौन सा रेडिकल है एल्काइल अभी इंट्रोड्यूस किया था आपको मैंने कौन सा ग्रुप है एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन की चेन इसमें एक कार्बन हो जैसे फॉर एग्जांपल क्या सिंगल बॉन्ड CH3 तो आप नाम क्या लिखोगे मिथाइल शॉर्टकट में क्या लिखते हैं इसको ME क्या लिखते हैं ME अगर कार्बन की चेन में कितने कार्बन हो 2 C2H5 तो क्या लिखोगे इथाइल क्या नाम लिखोगे इथाइल शॉर्टकट में क्या लिखते हैं इसको ET आपको मिलेगा नामेनक्लेचर में कहीं कहीं ET दिखेगा कहीं ME दिखेगा है ना इथाइल मिथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल क्या है C3H7 क्या कहते हैं इसको प्रोपाइल ठीक है ऐसे ही कुछ और सब्स्टिट्यूएंट है क्या
सिंगल बोन्ड ओ सी सिक्स एच फाइव, इसको बोला जाता है फिनॉक्सी। क्या कहा जाता है? फिनॉक्सी। ऐसे सिंगल बोन्ड क्या आ जाए? ओ आर, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। एल्कोक्सी आर कार्बन की एक चेन, एक कार्बन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, जैसे क्या ओ सिंग ओ सी एच थ्री, एक कार्बन मिथ ऑक्सी एल्कोक्सी मिथोक्सी, है ना। ऐसे क्या आ जाए ओ सी टू एच फाइव, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दो कार्बन है इथोक्सी, क्या कहेंगे, इथोक्सी, है ना। और भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं क्या आ जाए। लिखा सिंगल बॉन्ड सी सिक्स एच फाइव, या मैं इसको ऐसा लिख दूं सिंगल बॉन्ड बेंजीन की रिंग, है ना, कुछ ऐसा दिखे। इसको बोलते हैं क्या है, फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल। क्लियर है? क्या बोलते हैं? फिनाइल। एक और होता है सी, सिंगल बॉन्ड सी और दोनों कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं इपोक्सी। साइक्लिक ईथर भी होता है। ये सब क्या है हमारे? सब्स्टिट्यूएंट। कार्बन की चेन से अगर ये दिखते हैं जुड़े हुए तो इनका नाम किस पैटर्न पे लिखते हैं, एनओ टू तो नाइट्रो, एन ओ तो नाइट्रोसो, हेलोजन हो तो हेलो, जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। एल्काइल ग्रुप में एक कार्बन रखे तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ओ सी सिक्स एच फाइव दिखे फिनॉक्सी एल्कोक्सी मिथॉक्सी इथॉक्सी फिनाइल एपोक्सी। ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट है, और भी सब्स्टिट्यूएंट मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा, हाल फिलहाल आप इन्हें नोट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत सुंदर सा। मेन चेन सिलेक्ट करना है, प्रिंसिपल चेन। अभी हम एल्केन का नामेनक्लेचर कर रहे हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड, है ना। एल्किन का भी आएगा, एल्काइन का भी आएगा, साइक्लो एल्केन साइक्लो एल्किन साइक्लो एल्काइन भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं एक के बाद एक वीडियो बनाता जाऊंगा आपके लिए, आप पढ़ते जाइएगा, ठीक है। देखिए जल्दी से नामेनक्लेचर कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से कीजिए, वन टू थ्री फोर। इधर से क्यों किया? क्योंकि सेकेंड कार्बन पे मुझे क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट Cl, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरो। कौन से कार्बन पे? सेकेंड, तो क्या लिखूंगा, टू क्लोरो, और चार कार्बन है तो क्या लिखेंगे, रूट वर्ड ब्यूट, और ब्यूट के बाद क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, N। ये हो गया इसका क्या, IUPAC नेम। नेक्स्ट कितने कार्बन, चार। नंबरिंग इधर से करूंगे, इधर से करते हैं, क्योंकि पहले कार्बन पे मुझे क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, वन टू थ्री फोर। बताइए भैया, चार कार्बन की चेन, क्लोरो, और ये कौन है, ब्रोमो। ब्रोमो किससे स्टार्ट होता है, बी से। क्लोरो किससे स्टार्ट होता है, सी से। पहले क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ब्रोमो किस पे, थर्ड कार्बन पे, थ्री ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे, वन क्लोरो, और मेन चेन में चार कार्बन है, क्या लिखेंगे, रूट वर्ड ब्यूट। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, एन। क्लियर है सभी को? कोई समस्या? ठीक है, नेक्स्ट करिए। अब किधर से नंबरिंग करें, इधर से के इधर से, सर इधर पहले कार्बन पे सब्स्टिट्यूट, इधर से करते हैं तो पहले कार्बन पर टाई हो गया क्या? यस सर, टाई हो गया, पहले ही कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट इधर से भी हो, तब क्या नोट डालते हैं हम हर बार, क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सी से स्टार्ट होता है और ये बी से, यहीं से स्टार्ट करें, वन टू थ्री और क्या, फोर। क्या लिखेंगे, वन ब्रोमो, फिर फोर क्लोरो, चार कार्बन है, रूट वर्ड क्या, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या, एन। ये हो गया इसका क्या, IUPAC नेम। नोट कीजिए जल्दी से, नोट करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा,
नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, बड़ा सुंदर एग्जांपल है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, रूल तो वही है। यहां से नंबरिंग कर सकते हो आप स्टार्ट, या फिर यहां से कर सकते हो, या फिर यहां से, या फिर यहां से। कहां से करें स्टार्ट? इस कार्बन से आयोडीन जुड़ा है, आयोडीन का पहला लेटर आई है। इस कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा है, इसका पहला लेटर एफ है। इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, इसका पहला लेटर बी है। और इससे क्लोरीन जुड़ा है, इसका पहला लेटर सी है। बताओ किस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए? चल अल्फाबेट में पहले आता हूं, ब्रोमीन का बी। तो हम इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं, वन टू। अब मैं इसको थ्री दू, इसको थ्री दू, या इसको थ्री दू, जल्दी बताएं आप। इधर थ्री दे नहीं सकते क्योंकि ये फ्लोरीन है, एफ से स्टार्ट होता है। इसको थ्री दे सकते हैं, या ये अल्फाबेट में कौन पहला आता है? सी। तो हम इसको क्या दे देंगे? थ्री। तो आपकी मेन चेन आपको दिखाई देने लगी, वन टू थ्री, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीन कार्बन की आपको चेन मिल गई। ठीक, अब जो भी इस मेन चेन में छूट गया वो सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। क्या क्या है भैया सब्स्टिट्यूएंट, दिखाई दे रहे हैं आप सबको? क्या देख रहे हैं सर? ये ब्रोमीन भी सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या? और कौन है भैया? सर ये भी है। अरे मेन चेन में ये पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ ना, तो ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये सिलेक्ट हुआ क्या? ये सब्स्टिट्यूएंट इंक्लूड हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये भी क्या है? मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ, ये भी क्या है हमारे लिए? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास? वन टू थ्री फोर। बोलो भैया इसके नाम क्लेचर कैसे करें? अच्छा ये तो ब्रोमो है, ये क्लोरो है। सर ये कुछ नया दिख रहा है। नया कुछ नहीं है, इसका नाम क्लेचर क्या? इस कार्बन से क्या जुड़ा है? फ्लोरीन, तो फ्लोरो। और इससे क्या जुड़ा है? सी एस टू। इस कार्बन के लिए तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो फ्लोरो एक कार्बन है तो मिथाइल, फ्लोरो मिथाइल। कौन है ये? फ्लोरो मिथाइल। और ये कौन है? आयोडो एक कार्बन है मिथाइल, आयोडो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए भाई ये लगा रहा हूं मैं अभी भी। समझ में आ रही बात? पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, ये कौन है? ब्रोमो। ये सब्स्टिट्यूएंट कौन है? क्लोरो। बस नामिनक्लेचर करना है। अब देखिए जल्दी से, बी पहले आएगा, फिर सी, फिर एफ, फिर क्या आएगा? आई। तो लिखते हैं ना, वन पे क्या? वन पे क्या? ब्रोमो। वन ब्रोमो। फिर थ्री पे क्या है? क्लोरो। थ्री क्लोरो। फिर टू पे क्या है? टू पे क्या है? फ्लोरो मिथाइल। क्या है? फ्लोरो मिथाइल। और फिर टू पे क्या है? आयोडो मिथाइल। टू आयोडो मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है? सब्स्टिट्यूएंट सारे लिख दिए, अब क्या लिखेंगे? रूट वर्ड। तीन कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोप, है ना। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या? एन। ये हो गया इसका क्या? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। नोट कीजिए सभी। नोट कर लीजिए सभी, पढ़ते रहिए। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, एल्केन के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नामेनक्लेचर सीखेंगे। आप सभी का धन्यवाद। आप मेरी क्लास में आए, आपने मुझसे पढ़ा, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए। और पढ़ते वक्त इधर उधर की बातें कभी नहीं सुनना। मेरा मानना है कि जब हम पढ़ाई करते हैं और हम कुछ और सोचते हैं,
या किसी से बात करने लग जाते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारा ध्यान इधर उधर गया हमें सुनाई देना बंद हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पढ़ते वक्त इधर उधर की बातें कुछ ना सोचते हुए केवल कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ होना चाहिए। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं। मैं हूँ विट्ठल सोनी, धन्यवाद सभी का।